नमस्कार दोस्तों, टेक विश्व के एक फ्रेश एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं वन प्लस ने जो नया उनका 32 इंच का टीवी निकल रहा है, वन प्लस टीवी 32Y1, इसके बारे में आज बात करते हैं। देखते हैं क्या क्या आता है। 15,000 के रेंज में ये अवेलेबल है, तो देखते हैं क्या क्या फीचर्स ये प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले तो इन्होंने एक अच्छा 95% के आसपास का कलर गैमेट इसमें मिलेगा आपको, जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर कितना ब्राइटनेस, कितना विविड कलर्स आपको देखने को मिलेगा वो इन्होंने दिखाया है। फैसिनेटिंग जिस तरीके से मैंने बताया कि आपको DCI का जो है वो हाई कलर रेंज मिलेगा 93% और 20% का वाइडर कलर गैमेट मिलेगा जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे थे। इसका जो टेस्ट इन्होंने किया है वो DCI-P3 93% डेटा के साथ में रिकॉर्डेड टेस्ट किया है अंडर टेस्ट कंडीशंस। गामा इंजन भी प्रोवाइड किया इन्होंने, एक गामा इंजन एक ग्राफिक्स प्रोसेसर की तरह है जो एक अच्छी फाइनेस्ट पिक्चर क्वालिटी आपको प्रोवाइड करेगा और अनमैच्ड विजुअल क्वालिटी भी आपको इसमें प्रोड्यूस होते हुए दिखाई देगी। एक नॉइज रिडक्शन भी है इसमें, कलर स्पेस मैपिंग भी मिलेगा, डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट और एंटी अलाइजिंग, ऐसे बहुत सारे फीचर्स के साथ में ये आता है। इन सारी फीचर्स की अगर बात करें तो ये सारे फीचर्स एनहांस करते हैं आपका जो ओवरऑल क्वालिटी आपको देखने को मिलता है। LED TVs में ये बहुत मैटर करता है क्योंकि LED TVs का रिफ्रेश रेट और बैकएंड में जो प्रोसेसिंग होता है इमेज का उसके ऊपर ही सब कुछ चलता है। उसी के साथ में इन्होंने डॉल्बी ऑडियो भी प्रोवाइड किया है जहाँ पे आपको दो स्पीकर मिलेंगे, 20 वॉट के दो बॉक्स स्पीकर मिलेंगे इसमें, डॉल्बी ऑडियो एनहांसमेंट के साथ में आते हैं, क्रिस्टल क्लियर साउंड क्वालिटी आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो वन प्लस हमेशा हर एक चीज़ जो है वो अपने अलग तरीके से ही करता है, तो इसका भी साउंड क्वालिटी भी बहुत शानदार होगा। और आप देख पा रहे हो इसका बेजल्स भी बहुत थिन दिया है, थिन देने का कोशिश किया गया है, तो थिन बेजल्स के साथ में आता है तो वो एक अच्छी चीज़ है। एक न्यू जनरेशन टीवी की तरह लग रहा है ये, न्यू जनरेशन LED TV जितने भी आ रहे हैं उनका बेजल जो है वो बहुत थिन होने लगा है। जैसे आप देख पा रहे हो बेजल लेस थिन डिज़ाइन है यहाँ पे, और 91.4% का आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशो प्रोवाइड किया जाता है इसमें। 90% का ऊपर का स्क्रीन मतलब ऑलमोस्ट आपका एक बेजल लेस एक्सपीरियंस आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि नया आने वाला टीवी जो है वो शानदार रहेगा वन प्लस की तरफ से। बहुत सारे पोर्ट्स इन्होंने कवर किया करने की कोशिश की है, दो HDMI पोर्ट मिलते हैं, दो USB पोर्ट मिलते हैं और बाकी के जो अपने जेनेरिक पोर्ट्स रहते हैं ऑडियो वीडियो और इसके लिए जो अब हम लोग टीवी का सेटअप बॉक्स वगैरह लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो सारे इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। उसी के साथ में आप इसमें आपके वीडियो गेम्स भी आप प्ले कर सकते हो बिंज वर्दी टीवी सीरीज देखने के लिए। जैसे मैंने बताया मल्टीपल पोर्ट्स उन्होंने प्रोवाइड किए, तो आप बहुत सारी चीज़ें इसको अटैच करके रख सकते हो। ब्लू रे प्लेयर भी होगा आपके पास घर पे, वो भी आप अटैच करके रख सकते हो। ऑब्वियसली पावर्ड बाय एंड्रॉयड 9 है ये, बेसिकली 9 से एंड्रॉयड 9 पे ही आता है, लेकिन एंड्रॉयड 10 को अपग्रेडेबल रहेगा ज़रूर, पर देखते हैं ये किस तरीके से आगे बढ़ता है। और इसी के साथ में इसमें आपको गूगल असिस्टेंट का भी सपोर्ट मिलेगा और एप्लीकेशंस के लिए प्ले स्टोर भी है जहाँ पे आपको टेलर रिकमेंडेशंस वगैरह मिलेगी। तो ये एक कॉमन चीज़ है जो आजकल सारे टीवीज़ में देखने को मिल रही है। एंड्रॉयड का एडॉप्टेशन बहुत बढ़ गया है टीवी के मार्केट में अगर हम देखेंगे तो। उसी के साथ में आपको ये बहुत सारी फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे गूगल का वेदर आपको दिखाई दे रहा है। गूगल असिस्टेंट प्रोवाइड किया है यहाँ पे इन्होंने, लेकिन मेरे पास खुद के घर पे एंड्रॉयड का टीवी है तो मैंने बहुत बार नोटिस किया कि एक हिट एंड मिस रहता है इसमें, आप इंग्लिश हिंदी और बाकी 8 इंडियन लैंग्वेजेस भी इन्होंने बोला, लेकिन गूगल का जो वॉइस असिस्टेंट है वो बहुत बार हिट एंड मिस रहता है अपने नॉर्मल लैंग्वेज में। उसी के साथ में इन्होंने एक वन प्लस कनेक्ट ऐप भी प्रोवाइड किया है जिसके ऐप में से ही आप इजीली कंट्रोल कर पाते हो आपका टीवी। आपको रिमोट मिलता है इसके साथ, लेकिन रिमोट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी ऐसे मुझे लगता है। उसी के साथ में आप फ़ोन पर से एक एल्बम वगैरह भी शेयर कर सकते हो, आपके फोटोज़ वगैरह सिंक हो सकते हैं इसमें, ऐसा भी एक फीचर इन्होंने प्रोवाइड किया, शेयर मोमेंट्स एंड शेयर मेमोरीज़। तो एक शेयर्ड एल्बम आपके टीवी पर रहेगा जहाँ पर आप इजीली, तो मुझे लगता है ये एक फीचर अच्छा है जहाँ पर शेयर्ड एल्बम जो है वो आपको स्टैंड बाय मोड पर जब आपके घर के ही इमेजेस आप टीवी पर देख पाओगे तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो ये कुछ नया देने का कोशिश किया गया है यहाँ पे। उसी के साथ में इन्होंने एक ऑक्सीजन प्ले नाम का एक फीचर प्रोवाइड किया गया है, तो यहाँ पे एक स्मार्ट टीवी होने की वजह से आपका बहुत सारा जो डिजिटल कंटेंट है वो सारी जगह से क्यूरेटेड होके एक ही जगह पे आपको देखने को मिलेगा। शाओमी ने जिस तरीके से पैच वाला एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया है उसी की तरह इन्होंने एक ऑक्सीजन प्ले प्रोवाइड किया जहाँ पे आपको कंटेंट सर्च करने के लिए बार बार आपको विंडो चेंज नहीं करनी पड़ेगा, आपको एक ही विंडो में स्ट्रीम आप इजीली आपका कंटेंट एक्सेस कर सकते हो फ्यू क्लिक से। और उसी के साथ में जैसे आप देख पा रहे हो एक्सपेंसिव लाइब्रेरी ऑफ प्रीमियम कंटेंट, तो एक ही जगह पे आप जो भी चैनल्स आप देखोगे, जो भी आपका
वेब सीरीज आप देखते रहोगे, वो सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे प्रॉपरली सेटअप हुई हुई दिखाई देगी। नेवर मिस व्हाट यू लव, ऐसे बोला तो जो आपका फेवरेट शोज और लेटेस्ट मूवीज़ वगैरह है वो ऑटोमेटिकली रिमाइंडर्स भी आपको मिलेंगे थ्रू आउट इंटीग्रेटेड कंटेंट कैलेंडर। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपके फ़ोन के साथ में वो कैलेंडर सिंक हो जाएगा। और तो बहुत सारी नई चीज़ें इन्होंने प्रोवाइड करने का कोशिश किया है, मैं तो खुश हूँ बहुत सारी चीज़ें देख के। आपके लिए फीचर्स का डिटेल मैंने स्क्रीन के ऊपर फिर से डाल दिया है अगर मैंने कुछ मिस किया है। तो ऐसे वन ईयर के वारंटी के साथ में आता है, 15,000 के आसपास मिलता है ये टीवी वन प्लस का। आप ज़रूर मुझे बताइए आपके बजट के हिसाब से ये कैसा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे टेक्विश्व यूट्यूब चैनल को। आपका हर एक लाइक शेयर और कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करेगा ऐसे नए नए वीडियोज़ बनाने के लिए। तो मिलता हूँ आपको एक नए फ्रेश एपिसोड के साथ टुमारो, तब तक यू गाइज टेक केयर, बाय बाय।